डियर व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह आज हम थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स नाइन्थ क्लास के। लो जी, हम स्टार्ट करते हैं। 3.1 न्यूमेरिकल है हमारे पास। 20 न्यूटन की फोर्स लगी है एक जिसम को, वो 2 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से हरकत देती है। जिसम का मास क्या होगा? मतलब ये है कि आपने मास मालूम करना है और इसमें 20 न्यूटन, न्यूटन का मतलब होता है कि आपको फोर्स दी गई है, क्योंकि फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर का आपको एक्सेलरेशन दिया गया। तो ये एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो आपके पास फार्मूला है जी, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे आपने मास मूव करना है, तो मास इधर रहेगा, ए इसके बटे में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि मैथ के रूल्स हैं, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो आके डिवाइड हो जाती है। तो आपने मास मूव करना है, एफ की वैल्यू 20 है, एक्सेलरेशन भी 2 है, 2 × 2 = 10 × 20, तो 10 किलोग्राम। अब ये किलोग्राम क्यों लगाया मैंने, ये इसका एसआई यूनिट है, जो कि अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका पेपर में नंबर कट सकता है, ठीक है। अच्छा, एक बार मैं बोल गया कि आपको थोड़े 2 दिन फार्मूला लिखो, जो इस चैप्टर के लिए बहुत अहम, अगर आपको वो आएंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे। ये पहला फार्मूला आपने याद करना है, दूसरा ये करना है आपने याद। अगर ये ना हो उसकी जगह जी आपने खुद लेना है, और जी की वैल्यू 10 लेनी है आपने, ठीक है। एक फार्मूला आपने ये लिखना है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर बटा आर। ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला। उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला होता है जी, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। ये मोमेंटम, अपना फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन है। इसमें आप फोर्स मूव कर सकते हैं अगर मोमेंटम चेंज दिया गया है और टाइम दिया गया है। अगर डेल्टा पी मूव करना चेंज इन मोमेंटम, तो फोर्स और टाइम दिया गया होगा। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो इस चैप्टर में यूज होंगे। चलिए जगह न्यूमेरिकल देखते हैं। एक जिसम का वजन है 147 न्यूटन, इसका मास क्या होगा? सेकंड न्यूमेरिकल है 3.2। इसमें उन्होंने कहा है कि एक जिसम का वजन है, न्यूटन दिया गया, तो आपने वेट जो है वो आप फोर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि जो फोर्स लग रही होती है वही वेट होता है, 147 न्यूटन, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने दिया है इसका मास क्या होगा। लो जी, मास पूछा है, सीधी सी बात है जी। अब देखिए, ए नहीं है तो आप ए बराबर जी लेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो जी बराबर आपको पता है 10 होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप लगा दें फार्मूला, एफ इज इक्वल टू एम ए, एक जगह जी लगा दें। अब मालूम क्या करना जी आपने, मालूम करना है जी, आप हमने मास मालूम करना है, तो एफ के बटे में जी आ जाएगा। तो जी देन हम यहाँ कर लेते हैं, एफ की कीमत है ये वाली और जी की कीमत 10 होती है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 14.7, क्योंकि मास है तो किलोग्राम, तो जी ये जवाब आ गया। लो जी, अगला हमारा न्यूमेरिकल है 3.3। इसमें क्या गया जी, 50 किलोग्राम मास का एक जिसम है, जिसमें 100 न्यूटन की फोर्स कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगी। एक मास है जी 50 किलोग्राम का, तो आप मास इज इक्वल टू 50 किलोग्राम लिख लें, ठीक है जी। और उसमें एक जिसम में 100 न्यूटन की फोर्स है, तो फोर्स अगर आपको ना पता चले, जो न्यूटन इसके साथ लिखा हुआ फोर्स ही होती है, 100 न्यूटन दी गई है। आपने इसमें फोर्स कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगी, तो जी सेम फार्मूला यूज करें, एफ इज इक्वल टू एम ए। आपने इस तरह से यूज कर लेना है कि ये डाटा है हमारे पास, ये डाटा चल रहा है, ये फार्मूला है। उसके बाद हम कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। ए मूव करना है, तो जो चीज मल्टीप्लाई हो रही हो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास एफ की कीमत है 100 और मास की कीमत है 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो जी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ये एक्सेलरेशन पैदा करेगी। तो जी देन हम स्टार्ट करते हैं जी। किसी जिस्म के मोमेंटम में तब्दीली है जी, अगले न्यूमेरिकल जरा फजूल से हैं, तो मैं आपको 3.8 की तरफ ले चलता हूँ। किसी जिस्म के मोमेंटम में तब्दीली है 22 न्यूटन सेकंड, ठीक है। तब्दीली और ये न्यूटन सेकंड जो है मोमेंटम में तब्दीली है, डेल्टा पी हो गया, डेल्टा लिख रहा हूं मैं,
20 न्यूटन फोर्स है जी, फोर्स दी गई है 20 न्यूटन। उन्होंने कहा कि कितना वक्त दरकार होगा, टाइम रूम करना है। लो जी मैंने आपके सामने ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें आप चीजें पुट कर दें। पहले फार्मूला लिखिए एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। आपने टी रूम करना है तो आप इस तरह, अगर आपको समझ नहीं लग रही डायरेक्ट तो आप ऐसे करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, एफ सरफ टी डेल्टा पी। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, अब आसान हो जाएगा। टी रूम करना है, एफ इसके बटे में चल जाएगा, डेल्टा पी ओवर एफ। तो डेल्टा पी की वैल्यू है हमारे पास 22 और एफ की वैल्यू है 20। और ये अगर आप इसे डिवाइड करें तो हमारे पास 1.1 सेकंड, क्योंकि टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो इसलिए ये सेकंड में जवाब आ गया। ये न्यूमेरिकल इस दफा 2018 में फैसलाबाद बोर्ड में आया है, बहुत अहम न्यूमेरिकल है, 4 नंबर का है। तो ये एक न्यूमेरिकल मैं आपको और करवा दूँ, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। 0.5 किलोग्राम, तो इसका मतलब ये मास होगा 0.5 किलोग्राम। ये है जी 3.10 न्यूमेरिकल, ठीक है। जिसम को 50 सेंटीमीटर रेडियस आर दिया गया, 50 सेंटीमीटर दायरे में 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घुमाने के लिए। अब देखें ये स्पीड है, वी से डिवाइड करते हैं, आपको पता है मीटर पर सेकंड स्पीड का यूनिट है। कितनी सेंटीमीटर फोर्स दरकार होगी, एफ सी मालूम कर लिया आपने। तो देखें जी इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। जब भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा मीटर। कीमत पुट करते हैं जी, ये फार्मूला एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटा आर, ठीक है जी। अब m की वैल्यू 0.5 है, v की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, r की वैल्यू 0.5 है, तो ये 0.5 से कट गया। 3 की पावर मतलब 3 का स्क्वायर जो है वो 9 के बराबर है, और न्यूटन में इसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो हमारी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि बच्चों का फायदा हो सके।